नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीति आयोग के प्लान से मिलेगा आवारा पशुओं को छुटकारा। किसानों से आलू खरीदेगी सरकार। मछली पालन के लिए मिल रहा 80% अनुदान। और जैविक खेती करने सरकार दे रही 50,000 रूपए। अब खबरें विस्तार से। देश में आवारा पशुओं का आतंक काफी बढ़ गया है। इन आवारा पशुओं के कारण फसल नुकसान तो होता ही है, साथ ही सड़क हादसे भी हो जाते हैं। इसे देखते हुए नीति आयोग ने एक खास प्लान बनाया है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में बनाई गई एक समिति ने गौशालाओं को आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की है। इसके साथ ही गाय के गोबर और गौमूत्र से बने उत्पादों की मार्केटिंग करने का सुझाव भी दिया गया है। इसके अलावा समिति ने गौशालाओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल स्थापित करने की बात कही है, जिससे गौशालाओं को समय पर सरकारी मदद मिलने में आसानी हो। आलू किसानों के हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार किसानों से 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी। इसके लिए पहले चरण में कासगंज, फरुखाबाद, कौशाम्बी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा और बरेली में आलू क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दरअसल इस साल राज्य में आलू की खेती में लगभग 18% की वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन बाजार में 10 से 12 रुपए में बिकने वाले आलू के थोक बाजार में 3 से 4 रुपए प्रति किलो ही दाम मिल रहे हैं। इससे किसानों को नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। बिहार सरकार पठारी क्षेत्रों और तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत पठारी क्षेत्र के जिलों में मछली पालन के लिए 80% तक का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत इकाई और अन्य जरूरी उपकरणों की लागत 16.70 लाख रुपए तय की गई है। योजना के तहत किसानों को तालाब, ट्यूबवेल, सोलर पंप सेट, उन्नत इनपुट और तालाब पर एक शेड का निर्माण करना होगा, जिस पर सरकार अनुदान देगी। इच्छुक किसान 20 मार्च 2023 तक वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए नजदीकी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना चला रही है। इसके तहत किसानों को केमिकल युक्त खेती को छोड़कर जैविक खेती करने के लिए 3 साल के लिए 50,000 रूपए का अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत पहली किस्त के तौर पर 31,000 रूपए दिए जाते हैं, ताकि किसान खेती की तैयारी, जैविक खाद, जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशक और उन्नत किस्म के बीज खरीद सके। वहीं दूसरी किस्त अगले 2 साल में दी जाती है। इससे किसान उपज का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कटाई और मार्केटिंग कर सके। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान वेबसाइट pgsindia.cof.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।